इलाफ मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। आज असील इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर एमडी जाहिद अली ने बिदर ब्रांच का दौरा किया। बिदर ब्रांच के इंचार्ज एमडी नबी कुरैशी ने उनकी गुलपोशी की और ये बताया कि बिदर में असील इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स का ऑफिस खोलने का असल मकसद ये है कि यहाँ की आवाम को अच्छी सर्विस के साथ साथ कम से कम कीमत में हज और उमरा की सर्विस मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिदर में एक असील हज उमरा एक ऑफिस है, यहाँ पे हमारे एक जाहिद भाई डायरेक्टर है, पूरे इंडिया में एक ऑफिस चलाते हैं। तो उमरे और हज के लिए जो लोग जाते हैं, हमारे पास एक गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं असील में, और कम रेट है और लाखों की तादाद में गए अब तक। और मेरे बिदर से कम ऐसे लोग गए यहाँ से जो आदमियाँ 10 रुपये 5 रुपये जमा करें गरीब। तो हम लोग पैसे की तरफ तवज्जो नहीं देखें कि अल्लाह के मुकद्दस जगह जाने के लिए अगर तड़प है तो हम ऑटोमेटिक वो एक अजवाब से वो लोग चले गए। तो मैं अब तक 600 चिल्लर गरीब लोग जो अल्लाह उनको पसंद करा वो लोग वहाँ जाके आ गए, आने के बाद दुआ दे रहे हैं और अल्लाह ताला हम जैसे लोगों से ये काम ले रहा है अल्लाह के दरबार पे भिजाने का, और अल्लाह के बारे में जो चाहत रखते हैं वो लोग ही जा सकते हैं। ऐसे कई करोड़पति अरबोंपति लोग हैं मगर महरूम है इस चीज़ से, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपने दरबार पे बुला लेता है। और अल्लाह ताला असील वालों से और जहाँ जहाँ ऑफिस है असील के, और ये जो भी लोग हज उमरे का चला रहे हैं अल्लाह ताला उनसे एक अजवाब से काम ले रहा है। हमारे हम नाचीज़ है वहाँ पे भिजाने का, हमको हमारी हैसियत नहीं है, मगर अल्लाह अजवाब बना रहा है उस हिसाब से हम लोगों को वहाँ तक भिजा रहे हैं। और बिदर एक छोटा एक ज़िला है, यहाँ से भी कई लोग, अरे भाई हैदराबाद जाना बम्बई जाना, वो एजेंट भाग जा रहा है ये एजेंट भाग जा रहा है, बल्कि वो लोग हमारे पे एक भरोसा रखे। मैं एक काउंसलर हूँ, एक ज़िम्मेदार हूँ और मैं एक खुरेज बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक मैं एक हज उमरे के लिए गया था 1 महीने के लिए, वहाँ पे जाहिद भाई से मेरी मुलाकात हो गई कि भाई बिदर में उमरा और हज का ऑफिस है क्या, तो नहीं है। तो जाहिद भाई बोले यार एक बिदर में एक बढ़िया ऑफिस खोलेंगे और वहाँ से मैं सऊदी के अंदर पूरा लोगों की देखभाल करूँगा, आप लोग ऑफिस भेज के कम रेट में और उमरे के लिए लोगों को भेजो और अच्छे पैमाने पे भेजो। बोले तो हम एक काम एक 2-3 साल से काम कर रहे हैं, और जाहिद भाई आज बिदर आए हुए हैं, आने के बाद ये बोलेंगे यार तुम लोग भिजा रहे क्यों नहीं। तो हम बोले भाई बिदर में नोटबंदी हो गई, लोगों ने पैसा नहीं है, और एक कम से कम रेट दे दो, अच्छा एक ऑफर रखो, लोग यहाँ से भेजेंगे, जाने वाले बहुत हैं, पैसे कम हैं, और एक फैमिली में अगर जा रही बोले तो पैसा होना है, एक आदमी उमरा कर रहा है तो घर के लोग महरूम रहते हैं। एक ऐसी स्कीम लगा लो कि पूरा घर जाके अल्लाह के घर जाके आने के बाद एक बार अगर कोई उमरे के लिए हज के लिए जा रहा तो उसके दिल में बार बार जाने की तड़प रहती है। अल्लाह एक ऐसी कशिश रखा उस जगह कि एक बार वो बंदा वहाँ जाने के बाद आने के बाद उसके दिल में एक तमन्ना रहती है कि काश मेरा मुखा वहाँ रहता, काश मैं वहाँ जाऊँगा आऊँगा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के दिल में एक तड़प रहती है, तो अल्लाह ताला तड़प को और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उस जगह बुलाता है। और अल्लाह ये काम जो ले रहा है हज और उमरे का, जो ऑफिस डाल के जो लोग काम करें, बहुत बड़ी कुर्बानी है, और एक एक मिनट की जो यहाँ से हाजी जाता है आज तक उसकी फ़िक्र रहती है, जो ऑफिस चलाने वाले की और खिदमत करने वाले की, उसका खाना पीना लाना लाना, यहाँ तक कि खाने का रहने का, उसकी हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है। वो 50,000 रुपये देने के बाद वो आदमी जब उमरा करके आता है तो उसके चेहरे पर एक नूर आता है, करोड़ों रुपये दे तो नहीं जाता, मगर एक कंपनी एक जिम्मेदारी लेके 50-55 हज़ार में भिजा के उसको बेहतरीन तरीके से टाइम पर खाना, टाइम पर उसकी खिदमत, टाइम से हर चीज़ देती है। कि एक हमारा असील ऑफिस एक सरपरस्ती है, बोले तो क्या है, बोले तो उनकी खिदमत करने का है, एक पैसे की बात नहीं है, अल्लाह ताला इनकी खिदमत ले रहा है, तो बहुत बड़ा काम है। तो काबिल मुबारक है कि बिदर में एक असील ऑफिस है, और यहाँ से लोग कितने गए हुए हैं, और मैं गरीब लोगों को भेजाऊँ कि जिसके पास तड़प थी, हम ऐसा बोले कि बिल्कुल आप जाओ, आने के बाद पैसे दो। ऐसे आज भी लोग हैं कि भाई ठीक है नबी साहब, बोले बोलने का नहीं है, मगर अल्लाह ताला वैसे लोगों को बुला लिया है। यहाँ से कम 600-700 लोग गए मेरे पास, फिर बॉयज हज को लेके गया मैं लोगों को कि वो लोग हर आजू बाजू खेड़ों के लोग आके मेरे पास पासपोर्ट जमा करे, पैसे दिए, हम इसी 4-8 दिन में लोगों को भिजा दिए। फिर आज हमारे पास नोटबंदी के बाद हमारे जाहिद भाई किधर आए, क्या भाई काम शुरू करके एक मेरे पास एक अच्छा पैकेज है, आप लोग जमा करो, एक पैकेज में भिजा देंगे। गुलबर्गा में मेरा ऑफिस पहले एक बड़े पैमाने पे ओपनिंग हो गया है, और बिदर में भी यहाँ से ग्रुप बिदर हैदराबाद बसवा कल्याणी तालुकों के लोगों को टीम बना के भेजो, क्योंकि हमारे जाहिद भी बिदर आए हुए हैं, और ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक असील एक ग्रुप बहुत बड़ा पैमाने पे चलता है। तो उन्होंने बोले यार काम शुरू करो, तो फिर आज से हम इंशाल्लाह
अगर आप खिदमत का मौका देंगे बिदर की अवाम और तालुक़े की अवाम, तो इंशाल्लाह कम से कम रेट में कोई तकलीफ़ नहीं देता। क्या कहते हैं जाहिर भाई जो जिम्मेदार है हल्के उम्र के अपील के, उन्होंने जो बात